सेलिब्रिटीज को ही नहीं होती है, आपको भी होती है। इसलिए आपको भी अगर अपने हेयर फॉल का सॉल्यूशन चाहिए और जानना है मेरे बाल कैसे इतने लंबे हैं तो कीप वॉचिंग। पहले तो हम बात करते हैं हेयर फॉल का रीजन क्या होता है। सबसे पहले हमें अपने फूड के बारे में डिस्कस करना चाहिए। फूड बोले तो विटामिन ई से भरपूर खाना हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि अब आपको डेयरी प्रोडक्ट्स आप जितना हो सके लीजिए, जैसे दूध, दही, लस्सी, डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उतने जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना आपके बालों के लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, आपको दाल खाना चाहिए। दाल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और दाल जो ज़्यादा खाते हैं ना, दाल खाना पीना जो भी हो, उनके बाल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। सो दाल को आप भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपको रूट वाले जितने भी सब्जी या फल होते हैं वो खाना चाहिए, जैसे कि चुकंदर हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गए, इस तरह के सारे चीज़ें आपको खानी चाहिए। उसके बाद अगर गर्मियों का सीजन चल रहा है और मैंगोज मिल रहे हैं तो इससे बेस्ट कोई बात नहीं, क्योंकि मैंगोज बालों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मैंगोज में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बालों को स्ट्रांग बनाती है। सो मैंगोज भी आपको खाने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने मैंगोज खाइए, आपके बाल उतने अच्छे होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बिना किसी प्रोडक्ट के आप अपने बालों को कैसे फास्टली ग्रो कर सकते हैं, बिना किसी प्रोडक्ट के आप अपने बालों को कैसे जल्दी झड़ने से रोक सकते हैं या फिर उड़ने से रोक सकते हैं, कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं आप अपने बालों को, ये सब मैं आपको बताऊंगी। टिप नंबर वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ बालों का एक्सरसाइज। जी हाँ, बालों का भी एक्सरसाइज होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ये बालों का कहा जाता है, अदरवाइज ये स्कैल्प का एक्सरसाइज है जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमको मौका मिले, मॉर्निंग में उठने के टाइम मौका मिले, जैसे ही जगह 5 मिनट मौका मिल गया कर लिए, उसके बाद दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले आपको एक्सरसाइज कर लेना है अपने स्कैल्प का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे झुक जाएंगे जिस तरह से मैंने दिखाऊंगी, और फिंगर टिप से, नेल से नहीं, फिंगर्स के टिप से मसाज करेंगे बताड़ी में करके, इस तरह से इतना झुक जाएंगे, उसके बाद मसाज करेंगे। ये मसाज करने से क्या होता है ना, इस तरह से 5 मिनट तक मसाज करेंगे। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड हेयर के फॉलिकल्स तक पहुंचता है। इस तरह से झुकने पे क्या होता है, फॉलिकल्स तक जब ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो हेयर फॉल कम होगा और हेयर जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। इसलिए ये टिप नंबर वन है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। आप सोच रहे होंगे मैं अभी कंघी करके क्यों दिखा रही हूँ, कंघी करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि रात को सोते समय हमें हमेशा कंघी करनी चाहिए। कंघी करने से क्या होगा, इसका एक्सरसाइज होगा। इसका एक्सरसाइज आप जितने तरह से चाहे कर सकते हैं, बहुत ही सही रहेगा। कॉम करने से आपके बालों का ये स्कैल्प का एक्सरसाइज होगा, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। ये नहीं मतलब इसका ये नहीं है, मैंने अपने पहले हेयर वाले वीडियो में बताया था कि ये नहीं कि 7-8 बार कॉम करेंगे, एक बार सुबह में करेंगे, एक बार रात को सोते समय करेंगे। सोते समय हम क्या करेंगे, लंबे बाल हो या फिर छोटे बाल हो, लड़कों के बाल हो या लड़कियों के बाल हो, कॉम कर लेंगे। उसके बाद लड़कों के बाल है तो उनको छोटी करने की तो जरूरत है नहीं, अच्छे से कॉम करके लड़कियों के बाल भी बताए क्या करना है, उन्हें ब्रेड बना लेना है, लूज ब्रेड जैसा कि मैं अभी बना रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल लूज ब्रेड बनाना है। इससे क्या होगा, इससे तो एक फायदा ये होगा कि आपके बाल सुबह में जब उठूंगी आप, जब उठने पर आपको बाल टूटे हुए नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात सुबह में आपको अपने बाल में फर्ट नहीं लगाना होगा सुलझाने के लिए, क्योंकि आपके बाल बिल्कुल जैसे आप रात को करते होंगे वैसे मिलेंगे, सुलझे हुए मिलेंगे। इस तरह से आपको रबड़ लगा लेना बिल्कुल लूज हेयर में। ये हो गया हमारा सेकेंड टिप। थर्ड टिप स्पेशली लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए क्योंकि लड़कियां बाल टाइट बांधती हैं। बाल टाइट बांधने का मतलब है हाई कॉनिकल, लिए फैशन मेजर इस तरह से एकदम जोर से बालों को बांध देती है। इससे क्या होगा, हेयर फॉलिकल्स पे प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, बाल स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होने से जड़ पे असर पड़ेगा, जड़ पे असर पड़ेगा तो बाल टूटेंगे,
तो आपको इससे बचना है, जितना कम हो सके उतना कम अपने बालों को टाइट बांधना है। मैं कभी भी अपने बालों को टाइट नहीं बांधती, हमेशा लूज ब्रेक करती हूँ या फिर छोटी भी करनी होती है लूज, बस ऐसे करके रबर लगा लेती हूँ। गर्ल्स, क्या आप अपने बाल धो के ऐसे ही टॉवल करके आती हैं या फिर ऐसे करके रखती हैं कुछ देर तक? अगर आप ऐसा करती हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि जब हम बालों को धोते हैं तो बाल सबसे ज़्यादा उस समय सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं मतलब उनके रूट बहुत वीक होते हैं उस समय। रूट वीक होंगे और अगर आप ऐसे करके टॉवल लगाएंगे बालों पर तो बाल आपके बहुत टूटेंगे। तो आप चाहती हैं बाल आपके टूटे, तो प्लीज़ आप कभी भी ऐसे टॉवल को नहीं लपेटिएगा। जैसे भी हो, अगर आपको हड़बड़ी है बाल सुखाने की, तब ब्लो ड्रायर यूज कर लीजिएगा, उससे बाल सुखा लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली बालों को सुखा रहे हैं, बस टॉवल लेना है आपको बालों को इस तरह से, जिससे बालों का पानी सारा, और इसी टाइप का टॉवल हमेशा यूज करिएगा आप टॉवल, क्योंकि ये बालों को आसानी से अब्जॉर्ब, सॉरी बालों को नहीं, पानी को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। सो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जो जब बाल थोड़े से हल्के से गीले हो, क्यों बेचारे फिर जुर्म उठाना है, बस ऐसे ही आपको कहीं जाने की हड़बड़ी है तो ब्लो ड्रायर यूज करिए, अदरवाइज आपको ऐसे ही छोड़ देना है। नॉर्मली बालों को सूखने दीजिए, अपना समय ले बाल, जितना टाइम लगता है सूखने में, इससे आपके बालों पर प्रेशर नहीं बनेगा, बाल टूटेंगे नहीं, आराम से सूखने दीजिए बालों को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो ऐसे करके टॉवल आती हैं तो, और ऊपर से प्रेशर लगा के बालों को अजीब तरह से झाड़ती हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है बालों के लिए, बाल उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, यहीं से ही डैमेज नहीं होते हैं, जड़ से ही नहीं, बीच से भी डैमेज हो जाते हैं। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। सिर के मसाज का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। इसके लिए मैं जैसा यहाँ दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लेट जाना है और अपने गर्दन को आराम से रखना है। आराम से कहने का मतलब यह है कि इस तरह से रखना है जिससे हमें गर्दन में मोच या फिर दर्द ना हो। कहा भी जाता है कि रात को सोते समय बाल जल्दी बढ़ते हैं। जल्दी क्यों बढ़ते हैं बाल? क्योंकि लेटने पर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और हमारे सिर तक ब्लड बहुत ही आराम से पहुँच जाता है, और अगर हम उस समय मसाज करते हैं स्कैल्प की तो ब्लड सर्कुलेशन और भी सिर का फास्ट हो जाता है, जिसके कारण से हमारे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। बाल जितने तेज़ी से बढ़ेंगे और उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसके बाद बाल स्ट्रांग भी होते हैं क्योंकि सिर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इसे अफेक्ट करता है। इसी कारण हमें रात को कम से कम 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक ये मसाज करना चाहिए, बिल्कुल इसी वे में जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ।